घंटाघर के पास एक पुराने मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो पक्षियों से बहुत प्यार। तो ये है पावर डायरेक्टर ऐप। पावर डायरेक्टर ऐप से आपको इस तरीके का वीडियो बनाना सिखाएं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं खाली नजर आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई एक इमेज ले लेते हैं जो अपने कहानी के अनुसार, हमारी कहानी एक चिड़िया के ऊपर, तो एक चिड़िया की इमेज ले लेते हैं। तो इमेज यहाँ से लेते हैं, चलिए यह है लेयर का ऑप्शन। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर फोटो, फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपका हो वो इमेज आप ले सकते हैं। तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली इमेज लेना है, तो इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस के चिन्ह पर क्लिक कर देना। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली इमेज है ना, और ये यहाँ पर आ चुकी। ओके, अब कर देना है बैक। चलिए बैक ले चलते हैं। बैक करने के बाद अब इसको, चलिए इसको करेंगे थोड़ा जूम, इस अपने हिसाब से आप जूम भी कर सकते हो। अरे ज़्यादा जूम हो गया, चलिए अपने हिसाब से करेंगे, चलिए इतना ठीक रहेगा। ओके, चलिए इतना कुछ करने के बाद अब क्या, अब यहाँ पर जो डालेंगे, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट को यहाँ पर डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लेयर, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है डिफॉल्ट जो लिखा हुआ। तो फिर से प्लस पे चिन्ह, प्लस का यहाँ पर चिन्ह जरा, इसी प्लस के चिन्ह पर क्लिक करना। देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पर टेक्स्ट। तो फिर से बैक करना है। बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अब इसको करना एडिट, तो यहाँ पर ही क्लिक करेंगे जहाँ पर मैंने आपको टिक लगाया है। टिक लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक पेन आपको नजर आ रही है, तो इसी पेन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना। एडिट टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पर जो आपकी कहानी है वो पेस्ट कर देंगे, हमारी ये कहानी है, चलिए पेस्ट कर देते। अब राइट पर यहाँ पर देख सकते हैं राइट चिन्ह नजर आ रहा, इसी राइट पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ये कहानी यहाँ पर आ चुकी। अब क्या कहानी, ये बड़ी है देख सकते हैं, तो इस कहानी को थोड़ा छोटा करेंगे इस तरीके से। चलिए छोटा कर लेते हैं अपने अनुसार, जो आपको जैसा अच्छा लगा वैसा आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इतना ही रहने देते। अब बस आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो पाए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 या 7 ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं हो पाए, वरना आप कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। वो गड़बड़ी क्या होगी हम आपको बता देंगे। ये क्या जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस तरीके से आगे तक पहुँच जाएगा, जो इस तरीके का है ना ये इस तरीके का नहीं बन पाएगा। तो चलिए इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पर इसमें सफ़ेद कलर का अभी इसमें कलर डाल रहे हैं, तो कलर डालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल डिजाइन, तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कलर्स आ गए, तो यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर लेने के बाद अब इसमें क्या बैकग्राउंड भी लगाना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर मैंने टिक लगाया है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं शेडो जिसे बोलते हैं, इस हिसाब से जो आपको कलर लेना है वो कलर आप ले सकते हो इस तरीके से। चलिए उदाहरण के लिए कोई भी ले लेते जल्दी से, ताकि वीडियो बड़ा ना। ओके, इतना कुछ करने के बाद अगर आप यहाँ पर, चलिए आप करते हैं बैक, तो देख सकते हैं ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए अब करना क्या, अब जो लिखा हुआ इसका क्या ऑडियो बनाना है। ओके, ऑडियो बनाने के लिए फिर से यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, चलिए टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एडिट पर यहाँ पर पेन पर क्लिक करते हैं, पेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं, इसको क्या कॉपी करेंगे जो लिखा हुआ है ना, इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी, कॉपी करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको क्या है बोलता हुआ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट टू ऑडियो, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसमें एड वगैरह कुछ नहीं आता और बहुत जल्दी ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो देख सकते इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे और देख सकते यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते कन्वर्ट, कन्वर्ट कर सकते, और यहाँ पर जो आप नाम देना है वो नाम भी दे सकते। चलिए मैंने नाम दे दिया BFF। अब डन पर क्लिक करना, डन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लगेगा, देख सकते ऑडियो में कन्वर्ट हो गया, अभी आपके गैलरी में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करना ऑडियो पर, तो ऑडियो पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर BFF ये आ गया, तो इस शेयर पर क्लिक करना है, इस जगह पर शेयर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैं फाइल पर इसको सेव कर दूंगा। चलिए फाइल में सेव कर देते हैं म्यूजिक के अंदर,
तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इतना कुछ करने के बाद चलिए बैग जाते हैं, फिर से बैग जाते हैं। चलिए अब चलते फिर से पावर डायरेक्टर ओपन करते हैं। चलिए थोड़ा समय लगता है क्या ओपन होने में। ओके, ये देख सकते हैं पावर डायरेक्टर ओपन हो गया। चलिए फिर से थोड़ा, क्या ये हैंग हो रहा है? इतना कुछ करने के बाद अब जो वहां पर ऑडियो बनाया था वो ऑडियो यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं टिक लगा रहा हूँ, यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक, म्यूजिक पर क्लिक करना है। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने अपने फोल्डर में जो ऑडियो किया होगा वो आप ले लेना। देखिए मैंने म्यूजिक पर किया था, म्यूजिक के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर BFF ये वाला था, तो इस पर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्ले करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस के चिन्ह पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, नीचे ये वाला ऑडियो आ गया। तो चलिए यहाँ पर अब करते हैं बैक, फिर से बैक करते हैं। अब यहाँ पर आप एक गौर करना, ऑडियो अपना आगे जा रहा है और ये इमेज और ये जो लिखा है ये है ना, क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे रह गया देख सकते हैं। तो इसको दोनों को क्या ऑडियो के बराबर करना है, तो चलिए इसको ऑडियो के बराबर कर लेते हैं इस तरीके से। और जो अपना लिखा हुआ भी है इसको भी ऑडियो के बराबर करते हैं इस तरीके से। ओके, इतना कुछ हो गया। अब इसको क्या, अब बनाएंगे इसको रनिंग टेस्ट। अभी क्या ये रन नहीं कर रहा है, यानी कि चल नहीं रहा है। तो रनिंग टेस्ट कैसे बनाएं, देख सकते हैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर तीनों है ना इमेज लिखा हुआ और ये बोलता हुआ, तीनों बराबर कर देना। तीनों बराबर करने के बाद अब इसे बोलता हुआ, अब यहाँ पर क्या क्लिक करना, रनिंग बनाएं रनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करना है जो लिखा हुआ। ओके, क्लिक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से टिक लगा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म की फ्रेम, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नीचे लेकर आना है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक रनिंग कराना है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से कर लेते। अब इतना कुछ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का नज़र आ रहा, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब इसको ले जाना है इस तरीके से, वीडियो को खिसकाना, पूरा यहाँ तक खिसकाना है। खिसकाने के बाद अब इसको इस तरीके से ऊपर ले जाना है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ तक ले जाने के बाद कहीं पे भी खाली जगह पर एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये रनिंग टेक्स्ट चालू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए इसको क्या है क्लिक करते हैं। घर के पास एक पुराने मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो, तो देख सकते हैं बिल्कुल अपना वीडियो हो गया तैयार। तो इस तरीके से फिर इसको करना है सेव। चलिए सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो मैं करूँगा गैलरी में। ओके, गैलरी में सेव करने के बाद यहाँ पर क्वालिटी भी पूछी जा रही किस क्वालिटी में करना है, तो चलिए इस क्वालिटी में करते हैं फुल HD में। तो फुल HD में इस वीडियो को कर देंगे। तो इसी तरीके से आप वीडियो बना सकते हो।